हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बुजुर्ग दंपत्ति का धरना जारी। आज से भूख हड़ताल की चेतावनी। सिरोही जिले के रेबदर तहसील के सनवाड़ा पंचायत के आसावा गांव में बुजुर्ग छोगाराम सुतार और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती चंपा देवी सुतार की ओर से अपनी पैतृक खातेदारी कृषि भूमि को लेकर गत 11 जुलाई से दिया जा रहा धरना सोमवार को लगातार छठे दिन तक जारी रहा। अब बुजुर्ग दंपत्ति ने अपनी मांगे नहीं माने जाने पर मंगलवार से भूख हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दे दी है। हालांकि अब तक प्रशासन इस बुजुर्ग दंपत्ति की सुनवाई के लिए आगे नहीं आया है। बुजुर्ग छोगाराम अपनी पैतृक खातेदारी जमीन के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। वर्ष 1962 में उन्हें ये जमीन स्वीकृत की गई थी, जिसका खसरा संख्या 649 है। इन दिनों इलाके में बारिश का दौर भी शुरू हो गया है, बावजूद इसके बुजुर्ग दंपत्ति सोमवार को लगातार छठे दिन तक धरने पर बैठे रहे। पिछले दिनों स्वास्थ्य में गिरावट के चलते बुजुर्ग छोगाराम सुतार को अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया था, पर अगले ही दिन वे फिर से धरना स्थल पर पहुंच गए और अपनी लड़ाई में जुट गए। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी या तहसीलदार ने गांव में धरने पर बैठे बुजुर्ग दंपत्ति की सुध नहीं ली है। इतना ही नहीं, ग्राम सभा अध्यक्ष की ओर से अब तक बुजुर्ग दंपत्ति को कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, जिससे ग्रामीणों में रोष है। सिरोही से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।